बोरीवली पश्चिम आईसी कॉलोनी के इसी नारायण स्कूल की छत पर मोबाइल का टॉवर लगा हुआ है, जिसके कारण छात्रों के अभिभावकों में अपने बच्चों को लेकर काफी चिंता है। इस संबंध में उन्होंने वरिष्ठ समाज सेविका मीरा कामत को पत्र लिखा। मीरा कामत ने जब बीएमसी से आरटीआई के तहत रिपोर्ट मांगा तो रिपोर्ट में टॉवर लगाने का परमिशन ही नहीं दिए जाने की बात सामने आई। मैंने आरटीआई डाला बीएमसी में, दही सर का ब्रांच में डाला। दही सर वाले ने बोला कि वो बीपी प्रपोजल बिल्डिंग प्रपोजल ने दिया है। बिल्डिंग प्रपोजल का आंसर आया कि हम लोगों ने उसको परमिशन ही नहीं दिया। अगर इन लोग बोलते हैं बिल्डिंग प्रपोजल वाले ने दिया चांदीमिली का लोगों ने, तो ये लोग बोलते हैं हमने नहीं दिया, तो किसने लगाया? तो इसका मीनिंग होता है इलीगल है। मीरा कामत ने बताया कि मोबाइल टॉवर को स्कूल और अस्पताल के 3 मीटर की रेंज के आसपास में नहीं लगाया जा सकता है, इससे कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल के ऊपर मोबाइल टॉवर इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लॉज, अगर 3 मीटर के अगर मोबाइल टॉवर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल का आजू बाजू का अप टू 3 मीटर कौन सा भी बिल्डिंग में नहीं लगाना चाहिए। तीसरा मुद्दा, उन लोगों ने ये भी लिखा है अगर परमिशन ऑलरेडी दिया है, परमिशन एक्सपायर होने के बाद में वो मोबाइल टावर इमीडिएटली निकालना चाहिए। तो वही स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि इस जगह को 30 साल के लिए लीज पर लिया गया है। उन्होंने टावर को लीज पर लिए जाने से पहले ही लगा बताया। I mean the tower is when the school starts on that day onwards, the tower before itself the tower is there, but we don't know exactly when the tower is there and because we take lease recently 3 years. मोबाइल टॉवर से निकलने वाले रेडिएशन को लेकर पहले भी आवाज उठ चुकी हैं। प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री जूही चावला भी इस संबंध में आवाज उठा चुकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस टॉवर को लेकर क्या कदम उठाता है। मुंबई लाइव।